हर इंसान की एक अपनी किस्मत होती है एक अपनी जर्नी होती है बट वो जिसकी लाइफ में जब आना है वो तभी आना है वो उससे ना पहले आएगा ना उसके बाद आएगा फिल्म दैट आई फिनिश शूटिंग कम्प्लीटेड वन इज विथ लव सर इट सेल्फ अंडर हिज प्रोडक्शन हेलो यू आर वॉचिंग जी मीडिया विद जिज्ञासा सहाय आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिनको हमने उन्हीं के बचपन से फिल्म्स और टीवीज में देखा है Yes, the very popular Omkar Kapoor. And today he's here with his latest movie, Lavaste and the team with Aditya Varma. Welcome to Zee. Thank you so much for having us here. And uh, first of all, a very big congratulations for the movie. Its trailer is out and it has had a kafi atcha reception. Mila hai. Even many trailer, dekha, so I was like, wow, the द सोशल मैसेज जो इससे आ रहा है इट्स वेरी डिफरेंट जो हम एवरी डे मूवीज या उसमें देखते हैं तो मेरा पहला सवाल यही है कि आउट ऑफ एवरी थिंग जो होता है दुनिया में ये मुद्दा आप तक कैसे आया कि इस पर मूवी बनानी चाहिए टू थाउजेंड फोर्टीन में ये मैंने विषय जो था मेरे जैन में आया और टू थाउजेंड फोर्टीन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है मैं फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर एंट्री कर रहा हूँ तो स्वाभिक सी बात है फाइनेंशियली फिल्म बनाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरत होती है तो मैं इकट्ठा करता रहा अपना एक एक ड्रीम था कि इस सब्जेक्ट में मुझे फ़िल्म बनानी है तो पहले तो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और 2023 में अब 26 में कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है उस बीच में ये था कि मैं एज़ ए मेडिकल फील्ड से हूँ एज ए डॉक्टर तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते थे तो उनके जो लोग होते थे उनके माता पिता बुज़ुर्ग तो मैं बोलता था उनसे कि भाई आपके बेटे कहाँ हैं बच्चे कहें अकेले क्यों चले आ रहे हैं तो बोले वो बाहर रह रहा है बैंगलोर में कहीं कोई नोएडा में नौकरी कर रहा है कोई गुड़गांव में कर रहा है बोले वो बिज़ी है उसकी ड्यूटी बहुत आवर है कोई कॉल सेंटर में कर रहा है बोले हमें ही करना है तो बोले वो हम तो बहुत दुखी हैं हमने बच्चों को पढ़ा दिया ये गलती की अगर अपने पास रहते तो ज़्यादा चो फ़ोन करते उठाता नहीं है आज यहाँ पर आए कोई छोड़ गया पड़ोसी मोहल्ले वाले कुछ दिन बाद वो भी आना बंद कर दिए तो मैं लगातार इस तरह के पेशेंट्स आते थे तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी बड़ी समस्या है टू लेकिन वो छुपा हुआ सच था वो अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकते थे छुपता रहा तो मैं उसको मैं नोटिस कर रहा था वैसी परिस्थितियों से मेरे साथ भी जो फिल्म में दिखाया गया है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मुझे भी लगा कि मेरा ये आखिरी दिन है आज कुछ ऐसी परिस्थिति परिस्थितियों फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में मैं आया और मुझे लगा खत्म है सब तो उस समय क्या होता है आप अपने आप को अगर एक होता है कि लिखो अपने आप को जो भी आपके मन में आ रहा है आप उस चीज़ से निकल सकते हो तो मैंने लिखना स्टार्ट किया उस समय ये क्रिएट होती चली गई स्टोरी विद इन मेरे ख्याल से दो घंटे के अंदर मैंने पूरा तैयार कर लिया एक सेंट्रल आइडिया फिर उसको मैंने छपा के टाइप करके रख लिया मैंने सोचा कि चलो होगी नहीं होगी किसी मौका लगा तो इसको करते हैं तो ये सब स्थिति आई फाइनली फिर फाइनेंशियली थोड़ा मेरे साथ कोई इन्वेस्टर नहीं आया जब मैं सब्जेक्ट बताता तो कहते तो फ्लॉप हो जाएगी फिर इस पे आपको तो आइटम सॉन्ग चाहिए आपको ये चाहिए वो चाहिए बहुत चीज़ें होती थी जो व्यक्तिगत में बता रहा हूँ एंड आई थिंक मूवी की स्टोरी भी आई थिंक काफ़ी लोग जैसे इसमें दिखाया कि एक इंसान जिसने बी टेक किया एंड कैसे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल भी होने वाली है ये उस आ, उस पर एंड एज अ कैरेक्टर जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी इमोशनल आपका काफ़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा होगा सो so, आपने कोई चैलेंज फेस किया अपने आपको उस कैरेक्टर में ढालने के लिए और फिर उस

कोई एक ऐसी कहानी सुन के चुन के तो मैं ऐसी कहानी की तलाश में था ही और जब मेरे पास ये कहानी ऐसी आई तो मुझे लगा कि ये आ, सही बात है सोसाइटी के लिए और कहने के लिए और आ, इसके लिए प्रेपरेशन भी आ, मेरे ख्याल से 10-15 दिन शूट से पहले मैं डायरेक्टर के साथ सुदीश के साथ बैठा था और थोड़ी सी रिसर्च करी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस, 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 आ, इस काम को करते हैं और उनकी ज़िंदगी में वो क्या महसूस कर रहे हैं उनको समझने के लिए थोड़ा वक्त बिताया और उसके बाद जब ऑब्वियसली uh, ये थोड़ी सी सीरियस ड्रामा इंटेंस फिल्म थी तो uh, थोड़ी इमोशनली ड्रेनिंग कह सकता हूँ वो मेरे दिन रहे होंगे कि आई थिंक बाय द टाइम वी यूज टू पैकअप इन द नाइट हम मैं थोड़ा सा ऐसा ड्रेन फील करता था बट आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ बींग एन एक्टर्स जॉब सो आई थिंक इट वॉज चैलेंजिंग आई वुड से बट इट वॉज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टू प्ले दिस पार्ट आपको लगा कि एक चैलेंजिंग एक डिफरेंट रोल है आपके लिए एंड हमने आपको जैसे आज तक प्यार का पंचनामा और बाकी मूवीज में देखा है सो so...

नहीं आई थिंक वॉट हैपन्स ना आई टेल यू टू बी ऑनेस्ट विथ यू आई इस्ट टू फील दिस वे वॉट यू सेंग बट आई रियलाइज वेरी अर्ली दैट एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दिस कि हर इंसान की एक अपनी किस्मत होती है एक अपनी जर्नी होती है यू नो सम पीपल गेट द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ दैट दे डिजर्व और दे आर डेस्टाइन टू डू कई बार किस्मत आपकी डेस्टिनी लिखी हुई होती है आप पेशेंस खो देते हैं बट वो जिसकी लाइफ में जब आना है वो तभी आना है वो उससे ना पहले आएगा ना उसके बाद आएगा तो कभी किसी की ट्वेंटी पच्चीस पे खुलती है किसी किसी की पैंतीस पे खुलती है तो आई थिंक कंपेरिजन आप नहीं कर सकते uh, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूँ और uh, मैंने जो पिछला काम किया है या पिछली फिल्म की है लोग मेरी अगली फिल्म में मेरा काम उनको उससे ज़्यादा बेहतर लगे और लगे कि हाँ उनका एज एन एक्टर इम्प्रूव हुआ है

And uh, the same uh, conversations pick up, and um, uh, it's fun to meet them once in a while to know what's happening in their lives. But I think good friendships are like that, where you, when you meet up after a long time, also you pick up where you left it. So it's like that, yeah. So we do meet up and uh, chit chat.

So, uh, definitely we work together and hopefully we'll keep working together because uh, we had a great start together. Look, I mean, that's amazing. Congratulations once again for that. Thank Looking you. forward Thank to you. it. Now you're excited about that. Anyway. <laughs> <laughs> एंड कमिंग बैक टू द मूवी जैसे की uh, जैसे यू मैं यू नो लोगों ने आपको बहुत बोला कि मूवी नहीं चलेगी ये फ्लॉप हो सकती है सो so, आपने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा सिंथ आफ्टर द पैंडमिकज बिकम अग थिंग की शायद ओ टी टी विल हैव लाइक बेटर ऑडियंस वहाँ पे रिलीज करना देखिए एक तो पहले तो नियम चेंज हो गया पहले थिएटर जरूरी है रिलीज करना उसके बाद ओ टी टी पे आता है तो दूसरी बात कि मैंने ये देखिए फिल्म हम सोचें कि हम इस बनाएंगे कुछ कमाएंगे ये सोच के नहीं होता लाइफ एक ही आप सोसाइट वो दे दीजिए आप लेने की मत सोचिए सोसाइटी से देने की सोचिए आप उस पैसे का क्या करेंगे भाई वही, वही कपड़े पहनने वही रहना है वही लाइफ है अरे आप सोसाइटी को ऐसे में क्या करता मैं सब जगह जाता नहीं कर सकता था सिनेमा इतना बड़ा माध्यम है मीडिया इतना बड़ा माध्यम है उसके माध्यम से एक फिल्म सोसाइटी को दे दी आज नहीं तो पाँच साल बाद लोग इस फिल्म को ये, महसूस करेंगे कि हाँ।, हाँ ये बहुत बड़ी समस्या थी तो मेरा ये सोच के मैंने बनाई नहीं हाँ, मुझे नहीं लगता इन्होंने सिर्फ इस फिल्म पर सिर्फ होता ना कुछ फिल्में सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई जाती वो अगर हम मिल इसी फिल्म को एक ओ के वेब शो की तरह बनाते या

Uh, क्या होता है जब आप अंडरडॉग होते हो तो जर्नी uh, अपिल होती है uh, तो आई थिंक वी फील दैट वी आर दी अंडर वी हैव मेड अ स्मॉल बजट फिल्म अ स्मॉल फिल्म सो कॉल्ड से बट इस फिल्म का का मैसेज बहुत बड़ा है इट वुड रीच आउट टू ऑडियंस और आई थिंक इट्स द फैक्ट दैट नाउ डेज प्योरली एंड प्योरली ओनली कंटेंट इज़ वर्किंग एंड नथिंग एल्स इज वर्किंग देर इज नो अदर स्टारकाज दैट कैन पुल इन

और uh, एक सोशल मैसेज के साथ है जिस तरीके की और जिस जॉनर की हमारी फिल्म है लवास्ते तो आई थिंक द ऑडियंस इज द किंग एंड दे विल लैप इट अप आई फील आई विल लीव इट टू देम एक्चुअली बिल्कुल थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एंड देखना ना भूलिए रिलीजिंग ऑन 26th में इन थिएटरस लवास्ते थैंक यू सो मच